बन रहा है ही मोहन के लिए मैगी, और हम लोग भी खाएंगे मैगी। और कल हम लोग बनाए थे मुगलाई पराठा, तो वो भी खाने वाले हैं। उसके बाद आज मेरा छुट्टी है खाना बनाने से, बिकॉज संडे है, संडे को ये बनाते हैं। और मैं घर का सारे काम जो डस्टिंग वगैरह है वो करना है, क्योंकि घर का थोड़ा सा ठीक करना है घर को, ठीक है। घर अभी पूरा पूरा बिखरा हुआ है, तो घर का करें तो अभी चाय भी बन चुका है, तो पहले चाय पी लेते हैं। उससे हल्का गर्म पानी पीना हो गया है। और ये अभी ईमो के लिए जा रहे हैं, और ये देखिए कम्बल में घुसा पड़ा है अभी ईमो। चलो बेटा चलो, वाटर टक खेना होता बेटा, गुड मॉर्निंग बोला था। तो ये घर पूरा फैला हुआ है, अभी सब ठीक करना है मुझे। ये है आज मेरा काम। तो आज ये क्या बनाएंगे पूछते हैं, चलो चाय पीते। आज क्या बनाओगे लंच में? आज मेरा छुट्टी है, आज मेरा ड्यूटी है। आज मैं लंच में मटन बनाऊंगा, मटन। और अपना भी हुलिया ठीक करना है। I have to get set now. Yes, I'll do. चलो आज थी। तो ये अभी हस्बैंड के लिए लेके जा रहे हैं चाय, तो अभी चाय पियेंगे फिर। देखो मामा है ना, चा फटाफट मैं अभी दूध चाय बैठा रही हूँ, क्योंकि मुझे नाश्ते में दूध चाय पीना अच्छा लगता है। मैं दो चाय पी लेती हूँ कभी कभी, मैं चाय बैठा रही हूँ। और इधर मैं सभी जो नाश्ते मैं गर्म कर रही थी साथ ही साथ। ये आ गया है, अभी क्या करना है? तो
हम लोग का नाश्ता हो चुका था और मैं यहाँ पे सभी काम कर ले रही थी, ये तो लंच बनाने चले गए थे कर रही थी, तो जो भी कपड़े इधर उधर थे वो सब समेट रही थी और बिस्तर वगैरह सब ठीक ठाक कर रही थी। वैसे तो मैं रात को ही एक रूम का करके सोती हूँ, बट उस दिन नहीं करी थी, उसके पहले रात को, तो मैं ये सब ठीक कर रही थी। तो इस बास्केट में इमो का सब कपड़ा रहता है तो वो सब ठीक कर रही हूँ, उसके कपड़े, उसके खिलौने, उसके बुक्स सभी इधर उधर है, तो सभी मैं ठीक करके रख रही हूँ। और जैसे मैंने कहा कि आज मेरा छुट्टी है लंच बनाने से, तो ये लंच बना रहे हैं और मैं कर रही हूँ घर का डस्टिंग। तो इस घर में आने के बाद से घर साफ़ा नहीं कर पाई मैं, अच्छे से डस्टिंग नहीं कर पाई, तो आज मैं सभी सोफे के जो कवर है वो निकाल के दूसरे वाले बिछा रही हूँ। तो उस रूम का हो गया है, तो अभी इस रूम में आके मैं यहाँ पे ये सोफे को अच्छे से पूछ ले रही हूँ और सभी कवर जो है मैं निकाल के, जो साफ़ वाले नए हैं वो उसको मैं, नए नहीं है पुराने ही है, मतलब साफ़ है, तो उसको मैं निकाल के बिछा रही हूँ। तो अभी मेड आएगी, उसको मैं धुलने के लिए दूँगी। और यहाँ पे इमो बैठ के बदमाशी भी कर रहा है और टीवी भी देख रहा है, मैं उसको बोली कुशन दे तो वैसे फेंक फेंक के दे रहा था, तो वही है, उसके साथ ऐसे ही करके दिन हम लोग का गुजर रहा है। तो अब मैं ये बेड को ठीक करूँगी, तो खिड़की वगैरह पूरा अच्छे तरीके से मैं झाड़ लिया, उसके बाद मैं बेडशीट भी चेंज करूँगी। तो इमो बार बार चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो उसके साथ ही सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे तो वो बात सभी सुन लेता है, बट कभी कभी नहीं सुनता है तो उसको डांट भी पड़ती है, तो ऐसे इधर उधर कर रहा है वो। और मैं ये बेड ठीक कर ली हूँ। इस घर में आने के बाद मैंने फिर से वही मेड को रख लिया है, पहले वो नहीं आ रही थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था घर के सभी काम करने, और वो घर दूसरा था, ये नया घर है, इसमें शिफ्ट किए हुए हम लोग को 2 महीने हो गए हैं। तो ये देखिए, ये रूम भी पूरा परफेक्ट है, ये रूम भी हो गया है, और ये देखिए कितने का सारे कपड़े निकल गए हैं। मैंने यहाँ पे किचन पूरा फैला हुआ है, अभी इसको सब नहीं करना। तो ये आज मटन बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे मटन, यहाँ पे पपाया, यहाँ पे ऑनियन, मिर्चा और ये पेस्ट बना के हैं, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, यहाँ पे हरी मिर्च, यहाँ पे टमाटर, प्याज, दही, आलू, धनिया पत्ता, और यहाँ पे सब ये मसाले रेडी करके रखे हैं। क्या मसाला है ये? चिकन मटन मसाला, ये मटन मसाला, ये हल्दी, ये जीरा ना, जीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे लौंग, इलाच, और ये ब्लैक पेपर और तेज पत्ता रेडी करके रखे। तो ये मटन बना रहे थे, तो मैं ही मुझे बोले कि तुम ही बोल देना, तो मैं ये बोल दे रही हूँ कि यहाँ पे इन्होंने फिर तेल में ये जो तेज़पत्ता, गरम मसाले जो डाले थे वो डाल दिए, फिर प्याज डाल दिए, और जो भी पिसा हुआ मसाला था वो डाल दिए। जो भी पाउडर मसाले इन्होंने लेके रखा था, जैसे कि मैंने पहले ही दिखाया था क्या क्या लिए थे, तो वो सभी वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे जब तक कि ऑयल ना छूटे। और टमाटर भी इन्होंने डाल दिया, टमाटर जैसे गल चुका है, और अभी इसमें मटन और आलू डाल लेंगे और पपाया भी, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे मसाले के साथ अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद इन्होंने ये कुकर में डाल दिया। तो वहाँ पे जो काम करने आती है दीदी वो भी आ चुकी है, और ये देखिए मटन का कलर कितना बढ़िया आया है, मुझे ऐसे लाल लाल मटन बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ टमाटर की चटनी, दाल भी है और राइस है, तो मटन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था पपाया के साथ, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बेटे को खिला के फिर हम लोग दोनों खाने बैठ गए। तो ये हम लोग रेडी हो चुके हैं बाहर जाने के लिए, बस वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो पूर्णिमा दी है वो अभी काम कर रही है, चले जाएंगे फिर हम लोग भी जाएंगे, बाइक में जाएंगे, मज़ा आता है बाइक में जाने में। और ये मेरा भी बेटा भी है, हम लोग निकल चुके हैं।
देखिए सीन बहुत ही अच्छा था और यहाँ पे चारों तरफ भी बहुत ही अच्छी सीनरी है। तो हम लोग ये ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं तो बेटे को बहुत मज़ा आ रहा है, उसको ब्रिज के ऊपर से जाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से उमियाम जो लेक है वो बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ से। बेटा बोल रहा है नहीं जाना है, नहीं जाना है ऊपर हिल्स में। तो हम लोग मंदिर जा रहे थे तो जो बहुत ही ऊपर है तो वही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। देखते हैं लास्ट तक क्या होता है, देखिए। इधर ये बाउंड्री के अंदर ऑफिस है। ये देखिए रास्ता कितना, हम लोग बहुत ऊपर है, यहाँ से दिख नहीं रहा है रास्ता। और ये जो रास्ता देखिए कैसे सुनसान है और कुछ नहीं है, यहाँ पे सब पेड़ ही पेड़ है। बेटा डर रहा है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, मुझे भी डर लग रहा था। लास्ट तो देखिए क्या होता है। तो ये हम लोग को मंदिर नहीं मिला, पता नहीं और कितना आगे जाना पड़ेगा। तो हम लोग जा रहे हैं वापस ये लोग डर रहे हैं इसलिए वापस जाना पड़ रहा है। मेरा बेटा बोलता है नहीं जाना नहीं, और कितना आगे जाना है पता नहीं है ना, तो ये एक बार आके देखते जाएंगे। साढ़े 6 किलोमीटर किलोमीटर नीचे उतरे हैं अभी, कुछ तो हुआ नहीं। मंदिर देखना, तो ऐसे ही रास्ते में खड़े हैं और फोटो खींचेंगे, अभी फोटो सेशन होगा। तो ये देखिए बस मंदिर तो जाना नहीं हुआ क्योंकि बहुत ही अंदर था शायद, क्योंकि हम लोग बहुत अंदर तक चले गए थे बट मंदिर नहीं मिल रहा था। तो और यहाँ पे 4 बजते अंधेरा हो जाता है, तो ऑलरेडी 3:30 बजे हम लोग निकले थे। तो मैं बोली नहीं जाना है और थोड़े किसी दिन आएंगे। तो मंदिर तो नहीं मिला, यहाँ पे एक दुर्गा मंदिर है मैंने सुना था, तो इसलिए हम लोग आए थे। तो ये हम लोग घर आ चुके हैं, मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पर हम लोग का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो ये देखिए जो वहाँ तक दिख रहा है ना पहाड़, वहाँ तक चले गए थे हम लोग, वहाँ तक। और मतलब नीचे ये डाउन जो लोग दिख रहे हैं ना पहाड़ को, वहाँ तक जाना था और भी आगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट टाइम किसी दिन जाएंगे। तो ये लोग घुस रहे हैं अंदर और ऐसे ही घूम के आ गए, हम लोग फिर किसी दिन जाएंगे। तो और बाइक में ज़्यादा ठंडी भी लगती है तो मैंने रेस्ट नहीं लिया ज़्यादा देर तक, इसलिए आ गए। हम लोग ऊपर मीडिया वाले में रहते हैं। तो चलिए फिर आज यहीं पे एंड करती हूँ मैं अपना वीडियो। ये जो पहाड़ है यहाँ पे और एक दिन के किसी दिन जाया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।